मैं हूँ आयुष पुराना, चैनल है काफी पुराना। इस वक्त आप हमें दिल्ली से नेशनल टीवी पर लाइव देख रहे हैं। मैं धड़ाधड़ न्यूज चैनल का एंकर। इस चैनल की स्थापना हमारे दादा ने 1885 में रखी थी। उनके मृत्यु के बाद मैं मुसलसल इस चैनल पर देश दुनिया की खबरें दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारा देश भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। इस आजादी में न जाने कितने क्रांतिकारी, कितने वीर सपूत, कितने देश के बलिदानी, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने जान माल की, अपने जिस्म की बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, फिर जाकर हमारा देश भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। आज हम इस आजाद भारत में अपनी सांसें ले रहे हैं। इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे देश के क्रांतिकारी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, अपने तन मन धन की बाजी लगा दी, फिर जाकर हमारा देश भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। आज इस शुभ मौके पर पूरे हिंदुस्तान में खुशियां मनाई जा रही है। जगह जगह पर सभाएं आयोजित की गई है। इसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मैपत मऊ में भी एक सभा आयोजित की गई है, जिसमें हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान और सांसद भी आए हुए हैं, जिनको मैं आपको अपने धड़ाधड़ न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों को लाइव दिखाता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ देश की खबरें सुनाता हूं। जैसे कि सबसे पहली खबर जो हमारे सामने निकल कर आ रही है वो मैपत मऊ से है, जहां पर बारिश होने के कारण जगह जगह पर खड्डे हो गए हैं और पानी जम जाने के कारण राहगीरों को और जानवरों को राह चलने में परेशानी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। खबर जो सामने निकल कर आ रही है मैपत मऊ की मदरसे से है, जहां पर फील्ड में जंगली घास होने के कारण वहां पर बच्चों को खेलने में परेशानियां हो रही है। इसलिए मैं खेल मंत्री इजहार नेपाली जी से कहूंगा। और तीसरी खबर जो हमारे सामने निकल कर आ रही है वो हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है, जहां पर शेख हसीना देश छोड़कर फरार हो गई। यहां की युवा ने शेख हसीना के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसके कारण हसीना मान जाएगी, लेकिन ये नहीं सुना था कि हसीना भाग जाएगी। जो खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है वो हमारे धड़ाधड़ स्टूडियो को पीछे से है, जहां पर तीन दिन से मुसलसल बिरयानी बन रही थी, लेकिन मौसलेदार बारिश होने के कारण बिरयानी कैंसिल हो गई और बराती फरार हो गई। हम आप लोगों को मैपत मऊ लखनऊ के मैपत मऊ में लेकर चलते हैं, जहां पर हमारी सभा आयोजित है। वहां पर हमारे संवाददाता लाइव है और वहां पर बड़े बड़े लीडरान और हमारे देश के विद्वान आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को यौम आजादी पर अपने मेहमान को दावत देता हूं, जिनको लाइव दिखाता हूं, जिनका नाम जियाउर रहमान बर्क है। वो आए और हमारे जनता के सामने अपना भाषण दिया। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस मैपत मऊ के अजीम शान प्रोग्राम में शरीक होने की दावत दी। मैं जियाउर रहमान बर्क, जिसको लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया था। आज 15 अगस्त का दिन यौम आजादी का दिन, हमारे वो अकाबिर, हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने अपने ख्वाब खून को तड़प कर और कब्रों में अपने पैर लटका कर अंडमान के जजीरे में अपने आप को फना करके हिंदुस्तान की आजादी के लिए काम किया, और सबसे पहले बंगला के अली वर्दी खान ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग करी 1754 में। आज ये तिरंगा जो हमारे सामने लहर रहा है, ये जो हमारे तिरंगा आज हमारे तिरंगा हमारे सामने आज बुलंद है, इसके पीछे हमारी बुजुर्गों की बहुत कुर्बानियां रही हैं। इस तिरंगे में हमारी शान और शौकत और हमारी आजमत की वो कहानी मदफून है, जिसे बयान करना इस मुल्क में तकरीबन जुर्म तसव्वुर किया जाने लगा। शुक्रिया। ये थे हमारे मेहमान कांकोरी से सांसद जियाउर रहमान बख्श साहब।
अब इसके बाद मैं अपने दूसरे मेहमान जो काफी दूर से आए हैं, जिनका नाम समित पात्रा है, वो आए और यौम आजादी पर हमारी जनता के सामने अपना तबसरा पेश करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और अपनी वार्ता प्रस्तुत करने का मौका दिया। प्रिय देशवासियों, स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देशवासियों को दिल की गहराइयों से आजादी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। प्रिय मित्रों, आज भारत के तमाम पड़ोसी हमसे जल रहे हैं, जगह जगह मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास के उन पन्नों को खोलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। इसलिए मित्रों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से नहीं सीखता है उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए एकजुट होकर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। राम मंदिर का निर्माण ये केवल मंजिल नहीं है, ये एक पड़ाव है और पड़ाव को आगे भी निरंतरता देनी है, क्योंकि सनातन धर्म की मजबूती इन सब अभियानों को एक नई गति देता है। जातिवाद से मुक्त और छुआछूत अस्पृश्य स्पर्श से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए महापुरुष श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और आज हम इस मंच से यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम भारत देश के उन पन्नों को भारत देश के इतिहास के उन पन्नों को खोलने की बंगाल के सांसद हैं। उस पार्टी की स्थापना कब हुई थी और उसके संस्थापक कौन है, आप उनका नाम? अच्छा, ये दूसरा सवाल आपसे है, आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, युवा परेशान है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, हर दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आपकी सरकार सत्ता में है, आप इस विषय में क्या कहने चाहते हैं? अरे आप पाकिस्तान में देखिए, मुसलमानों को कितना सताया जा रहा है, हिंदुओं को कितना सताया जा रहा है। भाई हम नौकरी की बात कर रहे हैं, युवा परेशान है, हम तो नेपाल पाकिस्तान घुमा रहे हैं, हम बेवकूफ है लेकिन इतना बड़े बेवकूफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अरे आप देखिए, वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं को निकाला जा रहा है और आपको सत्ता की पड़ी हुई है, आप हिंदुओं को नहीं देख रहे कितना सताया जा रहा है, हमारी मंदिर तोड़ी जा रही है और आपको सत्ता की पड़ी हुई है। चलिए ठीक है, हम आपके नाश्ता काट लेंगे। अब इसके बाद हम अपने दूसरे मेहमान को बुलाते हैं जिनका नाम मुहिबुल्ला नदवी है, जो अभी युवा नेता है, जिनकी उम्र सिर्फ 60 साल है, वो आए और यौम आजादी पर अपना तबसरा पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मुहिबुल्ला नदवी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, आज मैं आप लोगों को यौम आजादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उन तमाम शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने इस मुल्क की आजादी में जिद्दोजहद की। और साथ ही ये बता देना चाहता हूँ कि जब ये मुल्क आजाद हुआ तो आइन को मुरतब करने वाले रोशन दिमाग दानिश्वरों ने इस मुल्क की मिलीजुली तहजीब और रिवायात को बरकरार रखते हुए इस मुल्क को मुल्क जमहूरी करार दिया और अकलियतों अक्सरियत तमाम लोगों को बुनियादी हुकूक दिए। और ये हिंदुस्तान जो कि पूरे वर्ल्ड में इसी बात से जाना जाता है कि यहाँ पर सैकड़ों मजाहिब के लोग, सैकड़ों कल्चर वाले, सैकड़ों जुबान बोलने वाले सब रहते और सबको पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन ये बरसरे इख्तदार पार्टी, जैसा कि आप अभी इनको सुन रहे थे, ये यूसुसी नाफिज करके इस मुल्क की इज्जत के साथ, इस मुल्क की साख के साथ, इस मुल्क के वकार के साथ खेलना चाह रहे हैं।
और आप देखें कि एक खास कम्युनिटी के न मसाजिद महफूज है न मदारिस महफूज, और इससे भी आगे बढ़कर अब इनकी गंदी निगाहें इनके मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर पड़ रही, वो वक्फ जो कि मुसलमानों का मजहबी फरीजा है, और सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि पार्लियामेंट से 1999 के शायद पासशुदा है, जबकि आप देखेंगे इसका भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, और वही सूबाई हुकूमत को यह हक दिया गया कि हिंदू एंटोमेंट में जो कि बिहार में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदू होगा, पंजाब में सिर्फ और सिर्फ सिख होगा, लेकिन मुसलमानों के साथ ये अन्याय क्यों? और आज यही लोग मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जब 1947 में मुल्क आजाद हुआ और कुछ मफाद परस्त लोगों ने इस मुल्क को दो टुकड़े करने चाहे, और उस वक्त हमको यह हक हासिल था कि हम चाहते तो दूसरे मुल्क चले जाते और हम चाहते तो हिंदुस्तान में रहते। हम जो हिंदुस्तान में है वो बाई चॉइस है, और आप जो हिंदुस्तान में है तो बाई चांस है कि आपके पास कोई चांस नहीं, लेकिन हमारे इज्जत ने तय किया कि ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है, हमारे इज्जत की कब्रें हैं यहाँ पर, हमारे बुजुर्गों के मजारात, दिल्ली का लाल किला है, ताजमहल है हमारा, किले हैं हमारे, जामा मस्जिद है हमारी, और आज वही लोग नाकारा हो गए, उन्हीं को सड़कों पर मारा जाने लगा। ये हुकूमत, ये बरसर इख्तदार पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला रही है, और सांसद है इसके बाद अभी पता चला है अमेरिका से हमारे डोनाल्ड ट्रंप भी आए हैं, जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, इस मरतबा फिर चुनाव में उतरे हुए हैं, हिलेरी के सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं जो अपने भारतीय मूल की औरत है। आइए आइए मेहमान आ गए हैं, ये हमारे आपको बताता चलूं, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत गहरे मित्र भी हैं, इनमें भी उनके साथ पढ़ाई किए हैं ये। अब मैं आप लोगों को यौम आजादी पर इनके स्पीच को सुनाता हूँ। नमस्ते इंडिया, नमस्ते नमस्ते। I am very grateful to you that you call me here in this lovely and amazing nation, that you don this nation sone ki chidiya, and we warm welcome to each one of you. Thank you so much for calling me here. Now I try to speak some words in Hindi language, but it is very hard for me. Priya Deshwasiyon, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट का आपसी संबंध बहुत अच्छा है। आज पूरे भारत देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है। आजादी के इस शुभ अवसर पर हम आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहते हैं, और अपने प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने मुझे इस खूबसूरत देश में आमंत्रित करके अपने सीमाई रिश्तों को और मजबूत किया। Now I conclude my speech, and I have tried to speak in Hindi language, but it was very hard for me. Thank you so much. See you soon. US के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत गहरे मित्र हैं, बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन आज इस यौम आजादी के मौके पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल करूंगा कि आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, हमारे देश में युवा परेशान है, हर दिन पेपर लीक हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करूंगा कि आपको इस पर जवाब देना चाहिए, जनता आपसे जवाब मांग रही है। हाँ, कितना पैसा? 2 लाख। अच्छा अच्छा ठीक। अरे हाँ हाँ भाई, क्या हर चीज का जवाब नरेंद्र मोदी जी देंगे, इसका जवाब जनता देगी, नरेंद्र मोदी जी नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने इतना काम किया है, आपने देखा जगह जगह पर शौचालय बनवा दिया, आवास योजना आप देख ही रहे हैं, और सड़क निर्माण चल ही रहा है, राम मंदिर बनवा दिए, 12,000 सांसद भवन बना दिए, और क्या चाहिए? वो अलग बात है, एक साल भी संसद भवन नहीं चला, लीकेज हो गया, सॉरी कम आ गया। ठीक है, खैर अब हम आप लोगों से 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।